भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 तीर्थों को मध्य प्रदेश सरकार अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ेगी। इन तीर्थों पर जाकर देश के जन जन को बाबा साहब के जीवन से संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की जानकारी मिल सकेगी। यह घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर के मकरौनिया उपनगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित भी इस अवसर पर धन्यवाद करूंगा कि आज अंबेडकर जयंती पर उन्होंने जो बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब के पंच तीर्थ है उन पंच तीर्थों को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ने का काम किया है। और अब जो तीर्थ दर्शन योजना है वो मऊ भी जोड़ा गया है, उसमें नागपुर भी जोड़ा गया है जहाँ पर दीक्षा हुई, हिंदू मिल मुंबई भी जोड़ा गया जहाँ पर स्मारक है, दिल्ली स्थित स्मारक को भी जोड़ा गया है और लंदन स्थित स्मारक को भी हवाई जहाज से भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत करेगी। हमारे समाज के लोगों को सरकार की तरफ से हवाई जहाज से लंदन भेजने का काम होगा, ये व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संकल्प था, शोषित और दलित गरीब पिछड़ा ये आगे बढ़े, इसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में मकरोनिया के वार्ड क्रमांक 16 में 20 लाख रुपए की लागत से पार्क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने मकरोनिया में स्टेडियम के निर्माण के लिए गृह निर्माण मंडल की भूमि के नगर पालिका मकरोनिया को हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि मकरोनिया में सफाई स्वच्छता के लिए आवश्यक गाड़ियों, बड़े नालों के निर्माण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मकरोनिया के सभी जरूरतमंद पात्रों को पीएम आवास व भूमिविहीन लोगों के लिए आवासीय पट्टा दिलाने का भी आश्वासन दिया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीबी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।